हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका महाना प्रताप क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की जो अपनी वैकेंसी लेके आए हैं वो है रामगढ़ में जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होता है उसमें आपकी वैकेंसी है। और ड्राइवर की पोस्ट दोस्तों इसमें एक है और एक आदेशपाल की इसमें जो है पोस्ट निकाली गई है। लेकिन अपना चैनल ड्राइवर से संबंधित है, इसलिए अपनी ड्राइवर से डिस्कस करेंगे क्या इसमें क्राइटेरिया रहेगा, क्या इन्होंने एज लिमिट मांगी है, क्या क्या करवाया जाएगा, किस तारीख से लेके किस तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, सारी चीज़ें अपने इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो वीडियो लास्ट तक वॉच करना, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो व्यवहार न्यायालय रामगढ़ जो कि झारखंड में दोस्तों में उक्त रिक्त पदों की सीधी भर्ती नियुक्ति के आवेदन विहित पत्र में सब हस्तलिखित आमंत्रित किए गए हैं, यानी कि ऑफलाइन दोस्तों इसमें आपका फॉर्म है, आपने अच्छी तरह से फॉर्म पढ़ लेना है। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपने डाउनलोड करके उसको अच्छी तरह से देवनागरी लिपि यानी कि हिंदी में भरना है। और ड्राइवर की पोस्ट की बात करें तो दोस्तों इसमें आपकी पोस्ट एक ही रहने वाली है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो दोस्तों इसमें इन्होंने 10वीं पास यानी कि मैट्रिक उत्तीर्ण या समकक्ष और LMB लाइसेंस मांगा है, यानी कि आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का जो LMB लाइसेंस है वो है तो आप इसमें एलिजिबल हो। दूसरा, इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, तो दोस्तों इसमें आपके सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि आपसे स्क्रीन पर सब कुछ जो रूल्स हैं उनके अनुसार आपसे गाड़ी उसमें चलवाई जाएगी। और आपको स्क्रीनिंग टेस्ट आप यूट्यूब पे जाके किसी भी सर्च कर सकते हो भी स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे होता है, तो वो सारी चीज़ें उसमें आपको बताई गई है। अब इसमें क्राइटेरिया की बात कर लें तो उम्मीदवार दोस्तों भारत का नागरिक होना चाहिए, मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, नैतिक चरित्र अच्छा हो एवं किसी भी आपराधिक आचरण का नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके पास किसी भी किसी प्रकार का आपका जो है कोई न्यायालय के खिलाफ आपका कोर्ट में या किसी केस वगैरह ना हो। दूसरा बात कर लें तो अनुसूचित जाति जनजाति PWD झारखंड के द्वारा निर्धारित अद्यतन आरक्षण लागू होगी, यानी कि आप झारखंड के निवासी हैं तो उसमें जो SC ST OBC या जिनका भी जो परसेंट का आरक्षण है वो दोस्तों वहाँ के नागरिक को है, लेकिन दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भारत का कोई भी नागरिक उसमें अप्लाई कर सकता है। सामान्य की सीट दोस्तों इसमें एक निकली है। सरकारी नियमानुसार पद आरक्षित हैं, महिला दिव्यांग खेल कोटा को नियमानुसार 37 का लाभ मान्य होगा, यानी कि अगर वैकेंसियाँ गड़बड़ जाती है तो इसमें जो नियम होते हैं वो लागू हैं। अब अपने बात कर लेते हैं कि इसमें शैक्षणिक योग्यता, तो योग्यता दोस्तों आपकी 10वीं पास होनी चाहिए और आवेदक के पास संबंधित प्रमाण पत्र की आवेदन की अवशेष लग्न करें, यानी कि जो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट होता है दोस्तों वो आपने ज़रूर लग्न करना है। उम्मीदवार अपना सब हस्तलिखित आवेदन पत्र है जो प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि, यानी कि एक तो दोस्तों आपने फॉर्म उसमें भरना है, दूसरा उसके साथ एक नीचे एक फॉर्म दिया गया है जो कि आपका प्रवेश पत्र है उसको भी आपके भर के ही भेजना है। क्या क्या उसमें क्राइटेरिया, दूसरा और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं, वो सारी चीज़ें अपने इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। आवेदक आवेदन पत्र के साथ 3 पासपोर्ट साइज़ की फोटोग्राफ्स लग्न करनी है, यानी कि 3, एक तो फॉर्म पर लगेगी, एक प्रवेश पत्र पर लगेगी, उसके बाद एक फ़ोटो अतिरिक्त जो है दोस्तों आपको उसके साथ भेजनी है खाली लिफाफे के अंदर। दूसरा प्रवेश पत्र से सटा हुआ, तीसरा अतिरिक्त रहेगा। सब पता लिखित लिफाफा जो आपका लिफाफा होगा दोस्तों वो 25x11 सेमी का होना चाहिए और जिस पर 40 रुपये का डाक टिकट अनिवार्य है, उसके बाद आप स्पीड पोस्ट से या किसी भी भेज सकते हो। महत्वपूर्ण जो आदेश है वो दोस्तों इस प्रकार से है कि आवेदन पता जो निम्नलिखित डाक पोस्ट या स्पीड पोस्ट के हाथों भेजना आपने उसका है भी सबसे पहले ऊपर कॉर्नर में आपको सेवा में लिखना है, उसके बाद प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय छत्रमंडू रामगढ़ झारखंड पिन 8250501, ये आपने लिख के उसके बाद अपना एड्रेस डालना है और फॉर्म को अच्छी तरह से दोस्तों आपने फिलअप करना है। इसमें आवेदक का नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दोस्तों आपने लिखना है। राजपत्री अधिकारी द्वारा पासपोर्ट साइज की जो है वो आपने मोहर लगवानी है, यानी कि आप अपने गांव में किसी भी स्कूल से या शहर में हो तो किसी स्कूल से मोहर लगवा के आप उसको भेज सकते हो। पिता का नाम, पति का नाम, अगर लेडीज़ कोई फॉर्म भर रही है, क्योंकि इसमें वैकेंसी 2 हैं दोस्तों, एक जो है एक अन्य किसी प्रकार की वैकेंसी निकली है। जन्मतिथि आपने लिखनी है, दिनांक, आवेदक की आयु, वर्ष, महीना जो भी है, उसके बाद आपका जो स्थायी पता है दोस्तों या पत्राचार जो पता है, आपने एडमिट कार्ड काम उगाना है तो उसका फॉर्म भरना है, मोबाइल नंबर जरूर डालने हैं, ईमेल आईडी यदि कोई है तो
राष्ट्रीयता आपकी कौन सी है, तो इंडियन है अपनी दोस्तों, शैक्षणिक योग्यताएं, और सबसे बड़ी इसमें बात है वो सारी चीज़ें आपको फॉर्म में इसमें मिल जाएगी दोस्तों। आपने सिर्फ ये फॉर्म फिलअप करके आपने डाक के द्वारा भेजना है। अब इसकी बात कर लेते हैं कि आपको किस तारीख से लेके किस तारीख के मध्य भेजना है, तो दोस्तों 6/8/2024 को इसकी घोषणा की गई थी और 6/9/2024 को इससे पहले पहले आपने इस फॉर्म को भेज देना है। यानी कि लगभग आज से 5-4 दिन बाद भी अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म वहाँ पहुँच जाएगा। तो ये स्थिति थी आज की, जो व्यवहार न्यायालय जो आपका ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना दोस्तों वैकेंसी निकली है, तो इसकी आप फॉर्म अपना भेज कर और आप उसमें एलिजिबल हो सकते हो। दूसरा, आपको इसमें कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं है, स्क्रीन पर आपका टेस्ट लिया जाएगा, उसी के आधार पर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आपको उसमें सिलेक्ट कर दिया जाएगा। पोस्टेड आप झारखंड में रामगढ़ में ही रहोगे दोस्तों, वहीं आपने गाड़ी चलानी है। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।